हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को कैसे फैमिली बॉन्डिंग सिखा सकते हैं। सो नंबर वन, छोटी उम्र से ही शुरुआत करें। इस उम्र में बच्चों को अलग अलग रिश्तों के बारे में समझाएं और उनकी तस्वीर दिखाएं, ताकि बच्चा उनकी तस्वीर से उन्हें पहचान सके। अतः इसी उम्र से बच्चों को रिश्तेदारों के करीब लाने की कोशिश करें। उसे बात बात में परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में बताते रहें। उन्हें यह भी समझाएं कि मम्मी पापा के अलावा भी कई लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी एक कोशिश जरूर रंग लाएगी। सेकंड, कहानियों को माध्यम बनाएं। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें कहानियां ज्यादा दिनों तक याद भी रहती है। इसलिए बच्चों को स्टोरी के रूप में रिश्ते समझाने की कोशिश करें। जैसे जब दादाजी पहली बार स्कूल गए तब क्या हुआ, या उसके कजिन का निकनेम कैसे रखा गया। इस तरह की बातें बच्चे को दिलचस्प भी लगेंगी और उसे ज्यादा दिनों तक याद भी रहेंगी। फिर स्टोरी सुनाने का समय फिक्स रखें। साथ ही जो स्टोरी आपने सुनाई है वही कहानी कभी उसे सुनाने के लिए कहें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से कहें कि दादाजी या बुआ जी वाली कहानी कौन सुनाएगा। इस तरह बच्चों का मनोरंजन भी होगा और उन्हें रिश्ते भी याद रहेंगे। नेक्स्ट, फैमिली एल्बम बनाएं। परिवार के सभी मेंबर्स के फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके फैमिली एल्बम बनाएं तथा टाइम टाइम पर बच्चों को पूरे परिवार की एल्बम दिखाते रहें। साथ ही उन्हें हर सदस्य के बारे में दिलचस्प बातें भी बताते रहें। इससे बच्चे रिश्तेदारों को चेहरे से पहचान लेंगे और अचानक मिलने पर वे अजनबी की तरह व्यवहार भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करें। फैमिली गेट टुगेदर्स का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। छुट्टियों में बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ घुमाने ले जाएं या रिश्तेदारों को अपने घर बुलाएं। इससे बच्चों का समय भी अच्छे से कट जाएगा और वो रिश्तेदारों से घुल मिल भी जाएंगे। हो सके तो बच्चों के चचेरे भाई बहन को बुलाकर सिर्फ उनके लिए कजिन कैंप्स रखें, जिसमें सिर्फ वे लोग ही शामिल हों। इस कैंप में बच्चों को पूरी आज़ादी दें, वे जिस तरह से रहना चाहें उन्हें रहने दें। इसके अलावा उन्हें मिलकर काम करने के लिए एनकरेज करें, जैसे टेबल पर खाना लगाना, पानी देना, एक दूसरे की मदद करना। ये बातें दिखने में भले ही छोटी छोटी सी लगें, लेकिन फ्यूचर में बच्चों को आपसे रिश्ते बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी। और आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सो गाइज, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। Thank you very much and have a happy parenting.